पिछले दिनों बाल्मीक समाज यूथ एकता फ्रंट भारत की तरफ से श्रोमणी अकाली दल की तरफ से जलंधर की लोकसभा सीट से घोषित उम्मीदवार चरणजीत सिंह अटवाल का जोरदार विरोध किया गया था। फ्रंट के नेताओं का ये कहना था कि चरणजीत सिंह अटवाल उनके समाज के हैं, लेकिन वो कभी भी उनके पास नहीं आए और न ही उनके समाज को उनका बनता मान सम्मान देते हैं। अपने इसी विरोध को देखते हुए चरणजीत सिंह अटवाल बाल्मीक समाज के यूथ एकता फ्रंट भारत के नेताओं और वर्कर से मिलने पहुंचे। इस मौके पर अटवाल ने कहा कि वो सभी धर्मों का आदर करते हैं। वहीं इस मौके पर अटवाल ने कहा कि पहले चुनावों में ये देखा गया था कि उनकी पार्टी देहाती इलाकों में जीत जाती है, लेकिन शहरी इलाकों में हार जाते, जिस कारण वो शहरी इलाकों में सभी जगहों पर मीटिंग कर रहे हैं। इस कड़ी में बाल्मीक समाज और गुरु रविदास समाज के युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं। पहली गल तो ये कि मैं प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और हल्का जलंधर के सारे समूह निवासियों का बहुत बहुत धन्यवादी ऋणी हाँ, क्योंकि सरदार सुखबीर सिंह बादल ने जिथे एक्स एम एल ए पूछया, हल्का इंचार्जा पूछया, उत्थे उन्होंने सर्कल जथेदारा जिले जथेदारा होर जिन्हें सीनियर लीडर ने जिते उन्होंने पूछया, उत्थे यूथ में भी उन्हें अपनी एक सी आई डी बनाई आ, वो सी आई डी के राही इनफॉर्मेशन जी लेते हैं, उन्होंने लुधियाने के जलंधर के सारे ही लोगों ने भी पूछया, जरा आम से होर पता नहीं इतों के लोगों ने, मैं धन्यवाद करता कि जिन्होंने मैनू इस लायक समझिया कि मैं जलंधर की सेवा करा, इस करके मैं इतों उन्होंने बतौर श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के कैंडीडेट पेश किया, इसलिए मैं उन्हों का और इतों हल्के वोटर का बहुत बहुत धन्यवाद। जिथे मैं श्रोमणी अकाली दल, जिथे मैं भारतीय जनता पार्टी, जिथे मैं अपने सीनियर अकाली लीडर, उत्थे नाल ही मैं अपने भाईचारे चाहे वह गुरु रविदास जी महाराज नूं मनण वाले ने, चाहे वह भगवान बाल्मीक जी नूं मनण वाले, इन सारिआं नूं मैं मिल रहा तां जो इस सीट नूं जिहड़ा है ये एलीगेशन आ शहर पिंडां दा, ये पिंडां तों जित के आ जांदे ने ते शहर तों आ के हार जांदे ने। पिछली हिस्टरी इहदी ये आ कि असीं सारा 30-35 हज़ार रुपया और 30-35 हज़ार का मतलब यह है कि असी 17-18 हज़ार से हारते हैं, इस करके जिस तरीके ना बच्चों से नौजवानों से और इस हल्के के लोगों में, कल मैं 17-18 मीटिंग जड़ियाँ ने मैं तो मीटिंग सी लेकिन जलसे हो गए 17-18 जलसे इत जलंधर से मैं किए और मैं लोगों से जोश वेखिया नौजवानों में खास करके जिन्हें साढ़े गरीब भाईचारे ने, चाहे गुरु रविदास मनने वाला है, चाहे भगवान बाल्मीक जी का, चाहे हिंदू वीर चो है, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाइया चाहे क्रिश्चन च, सारे भाईचारे बड़ा उत्साह है, जोश है और नौजवान बच्चों भी कि सासी देश का प्रधानमंत्री जोड़ा है वो असी नरेंद्र मोदी जी ने बनाईए, तो नाल ही असी चाहते हाँ जी बच्चों की खास करके, मैं समझना कि वो इस गलों भी धन्यवाद करते हैं सरदार प्रकाश सिंह जी बादल का कि उन्होंने भगवान बाल्मीक जी की यादगार जी बनाई है, वो बड़ी साढ़े लिए जिते उन्होंने सिखा दिया बाबा बंदा सिंह बहादुर और रास्ते खालसा बड़ा घलूकारा छोटा घलूकारा जिते बनाया यादगार। दस दो अज चरण सिंह अटवाल जी, अज चरणजीत अटवाल जो पिछले दिनों देख रहे थे कि यूथ ने उन्होंने जो भी असी किया वो ठीक सी, पर हुण जो अज यूथ भारत की टीम के कोल अज चरणजीत अटवाल खुद आए आ, उन्होंने आश्वासन दिता कि यूथ जिहड़ियां जिथे असियां जिथे जिथे यूथ नूं साडी लोड़ पऊंगी उत्थे उत्थे असीं उन्हां दे नाल वा, ते उन्होंने ये भी किया वा कि जिथे दे पिंडां दे विच जां होर देहाती शहरां दे विच जिथे यूथ नूं कोई नहीं पुछदा उत्थे असीं अपनी आवाज़ पहुँचावांगे। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਏਜ਼ਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ।